रेस्पिरेशन में जो क्रैब साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसेसिंग ऑफ पाइरुवेट में जो एटीपी जो NADPH2 और FADH2 बनते हैं उनसे एटीपी बनना, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वास्तव में इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाके NADH+ तो बनाता है 3 ATP और FADH2 से बनते हैं 2 ATP पर मॉलिक्यूल। और ये ATP बनना यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वास्तव में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अगर हम इसका डायग्राम देखें कैसे होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इधर इसमें बराबर मैट्रिक्स, और ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल। ये यहां इस साइड में ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह थी वो ये है, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है। और ये जो जगह है ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में एटीपी बनते हैं। एटीपी कैसे बनेंगे? सबसे पहले वो जो हमारे NADH+ है वो यहां आके एक तो NAD+ में टूटेगा, प्लस 2H में टूटेगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आगे को 2H में टूट जाता है। और ये जो 2H है यहां से, ये 2H कहां आएंगे? ये 2H यहां आ जाते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। 2 हाइड्रोजन एटम, ये 2 हाइड्रोजन इस मेम्ब्रेन में आके ये सबसे पहले इनको लेता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN। ये FN में आए, ये है, इनको लेगा FMN। और FMN इनको लेने के बाद क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे टूटती है, 2H = 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां आगे ये जब इस FMN पे आएगी तो FN इसका ट्रांसपोर्ट करेगा, और FMN क्या करेगा, ये इसमें से 2 प्रोटॉन तो इधर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसके अंदर एंटर करेंगे। यानी कि ये टूटेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। FMN में आने के बाद ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन टूटेगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन तो मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे, प्रोटॉन इसमें से बाहर निकल जाएंगे, प्रोटॉन आएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहां से प्रोटॉन आगे जाके ये FES इनको लेगा FES, और ये फिर ये यहां से फिर FES में जाएंगे। ये इसके द्वारा इसका ट्रांसपोर्ट होगा मेम्ब्रेन में, FES के द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट होता है। FES के बाद फिर ये आगे जाते हैं ये ubiquinone, यहां UQ। और इस स्टेज में ये इलेक्ट्रॉन अगर NADH है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, अगर ये नहीं है तो यहां से FADH2 में भी ये क्रम चलता है। FADH2 में एंटर करता है वो FAD में तो टूट के ये तो चला जाता है वापस उसी चेन को, और यहां से ये 2H और 2H यहां से इधर से ये 2 इलेक्ट्रॉन
और दो प्रोटॉन इसमें टूटेंगे, प्रोटॉन तो इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन से फिर आके जाते हैं साइटोक्रोम बी में, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यहां एक एटीपी बन जाता है, एटीपी से ये एक एटीपी बन जाता है, इस स्टेज पे एक एटीपी बन जाता है, एक एटीपी यहां बनेगा, एडीपी प्लस पी से एक एटीपी बन जाएगा। ये पहला एटीपी फॉर्मेशन है जो कि सबसे पहले हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टर बनेगा। जब ये ट्रांसपोर्ट होगा इसके बाद एक आ जाएगा साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम के बाद फिर इलेक्ट्रॉन एफटीएस ये कॉम्प्लेक्स है इसमें जाएगा, इसके बाद फिर ये साइटोक्रोम सी में जाएंगे, यहाँ इनका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, ये जाएंगे यहाँ से साइटोक्रोम सी, एफटीएस के बाद ये आएंगे साइटोक्रोम सी, और यहां पे भी एक एडीपी का एटीपी बन जाएगा, एडीपी से एटीपी, एक एटीपी यहां बन जाएगा जब ये साइटोक्रोम सी बन जाएंगे। साइटोक्रोम सी के बाद फिर आएंगे साइटोक्रोम ए में, साइटोक्रोम ए से फिर ये आएंगे साइटोक्रोम ए थ्री में, यहां भी एक एडीपी से एक एटीपी बन जाएगा जब ये ए से थ्री में जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आएंगे, इसी में रहेंगे, और इस स्टेज में ये इधर से प्रोटॉन लेके, जब ये यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां से ये फिर प्रोटॉन लेके ये इसमें, यहां ये फिर दो प्रोटॉन इधर चले जाएंगे, तो तीन बार ये प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, एक बार इसमें और यहां से ये प्रोटॉन प्लस दो इलेक्ट्रॉन इस मेम्ब्रेन में से इधर आ जाएंगे, टू एच बना देंगे, दो हाइड्रोजन बन जाएंगे, इस हाइड्रोजन को एक एटम ऑक्सीजन के साथ मिलके प्लस ओ ये बना देगा एच टू ओ। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें जो डिफरेंट सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कैसे है, पहले इलेक्ट्रॉन को लेता है एफएमएन, एफएमएन से लेता है यूबिक्विनोन यूक्यू, यूक्यू से साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम ए थ्री, ये इस क्रम में लगे हुए हैं। इसमें देखो चार तो साइटोक्रोम है बी सी ए और ए थ्री, और ये दो एफ एम एन और यूक्यू, एक ये है इसमें एक एफ टी एस है, इसलिए सात मोलिक्यूल की चेन है। इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो एन ए डी एच तो यहां इंटर हुआ, इसके लिए तो तीन जगह एटीपी बने, एक दो तीन, और एफ डी यहां इंटर हुआ इसके लिए दो एटीपी बने, तो एफ डी एच टू के लिए दो एटीपी और एन ए डी एच प्लस एच प्लस के लिए तीन एटीपी पर मोलिक्यूल बनते हैं। इस प्रकार ये इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। बात आती है ये एटीपी बने कैसे, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन में एटीपी बनते हैं, ये एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो पार्टिकल होता है ऑक्सीसोम, उस पार्टिकल को हम कहते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम पार्टिकल में ये एटीपी बनते हैं, ऑक्सीसोम पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ये पार्टिकल लगे होते हैं, इस मेम्ब्रेन में वास्तव में ये अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें यहाँ ये इनको हम एफ जीरो एफ वन पार्टिकल भी कहते हैं, ये एक ऑक्सीसोम है, इस ऑक्सीसोम का ऐसे ये ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर है जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी थी, ये ऑक्सीसोम है, इस ऑक्सीसोम में ये हिस्सा इसका स्टाक कहलाता है,
ये हिस्सा इसका हेड कहलाता है और ये हिस्सा जो इसके अंदर ढका हुआ है, इसके अंदर जो है इस हिस्से को इसकी नेक कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इधर से जब दो प्रोटॉन इधर से पार होते हैं मेम्ब्रेन में को, वो यहां से यहां पार होंगे, इसमें से होके इधर जाएंगे दो प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम एफ जीरो कहते हैं और इसको हम एफ वन कहते हैं। उस टाइम यहां से ए डी पी और इधर से पी दोनों मिलके इसमें को पार होते हैं और ये पार हो गए, ए टी पी बना देता है। इसको हम ए टी पी सिंथेटेज भी कहते हैं, क्योंकि ये उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ए डी पी और पी से ए टी पी बनाता है, इसलिए ये ए टी पी सिंथेटेज का काम करता है। और ये कहाँ बनते हैं, मैट्रिक्स में, इनर साइड में मैट्रिक्स, ये इसकी इनर साइड है, ये इनर साइड है और ये इसकी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की साइड है। और यहां पर हुआ मैट्रिक्स। इस तरह से जब ये ट्रांसपोर्ट होता है इनर लेयर में, तो एडीपी और पी से मिलके ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये एटीपी बनते हैं, ये है एटीपी फॉर्मेशन। प्रोटॉन मेम्ब्रेन को पार करेंगे, उस ग्रेडियंट को इसे ट्रांसलेट करेगा, जब ग्रेडियंट को ट्रांसलेट करेगा तो इससे बनेंगे एटीपी। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इसके द्वारा एटीपी बनते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रकार एक मॉलिक्यूल एफएडीएच2 से दो मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं और एक मॉलिक्यूल एनएडीपीएच2 से तीन मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं टेन मॉलिक्यूल NADH+ थे तो ये हो जाएंगे 30 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। दो मॉलिक्यूल FADH2 थे, ये हो जाएंगे 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल पर FADH2। दो एटीपी बने ग्लाइकोलाइसिस में। दो GDP बने हैं क्रैब साइकिल में और डी GTP इज इक्वल टू ATP। इसका मतलब क्या हुआ, 30 + 4 + 2 + 2 टोटल गेन 38 ATP। अब यहां एक चीज और आती है, इन प्रोकैरियोट ऑल 38 ATP फॉर्म्स बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपोर्ट और पाइरुविक एसिड। इन यूकैरियोट 2 मोल ऑफ एटीपी आर कंज्यूम्ड। इन ट्रांसपोर्ट ऑफ पाइरुविक एसिड टू माइटोकॉन्ड्रिया, वहां 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाते तो वहां नेट 36 ATP बनेंगे।
दोनों में अलग अलग है, प्रोकैरियोट में 38 बनेंगे, यूकैरियोट में 36 बनेंगे, वहां दो मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए, दो मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए तो यूकैरियोट में 36 मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज एटीपी, और इसमें 38 प्रोकैरियोट में, क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वहां पे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत नहीं होती, इसलिए इसमें 38 और 36 एटीपी बनते हैं, और ये रिएक्शन बड़ी फास्ट रिएक्शन है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, और इस तरह से एटीपी बनते रहते हैं, और हम जो कुछ भी करते हैं एवरीथिंग विच यू डू इज ओनली ड्यू टू एटीपी। तो एटीपी से इस तरह से ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है, इसमें हम एटीपी से करते हैं। अब फर्मेंटेशन में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 ATP बनते हैं केवल उसमें। अब आता है इसके बाद एम्फीबोलिक पाथवे, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे अब एम्फीबोलिक पाथवे में क्या होता है, हमें पता है कि वी यूज फॉर एनर्जी 3 types ऑफ फूड, हमें 3 food है जो एनर्जी देते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिपिड्स और फैट्स, ऑयल भी इसमें आ जाएंगे, और तीसरा है प्रोटीन। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है डाइजेशन होने के बाद सभी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज फ्रक्टोज या दूसरे ऐसे पदार्थ बनाते हैं मोनोसैकेराइड। फैट और ऑयल बनाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। हम जानते हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोहाइड्रेट ये अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो मोनोसेक्राइड से बने हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड, फैट एंड ऑयल बने हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, एंड द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। डाइजेशन के बाद ये तीनों चीजें बनेंगी, हमारे शरीर में जब इनका डाइजेशन होता है तो ये 3 चीज बनती है, प्रोटीन से अमीनो एसिड, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन से अमीनो एसिड। अब यदि आप देखें हमने जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन लिया है तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले होता है ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड, और पाइरूविक एसिड से फिर आगे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहां फिर चलता है क्रैब साइकिल, ऑक्सलोएसिटिक एसिड, यहां था सिट्रिक एसिड, यहां था सक्सिनिक एसिड, एल्फाग्लुकोनेट भी था इसमें, इस तरह से एसिड बनते हैं। ये है हमारा क्रैब साइकिल। अब इसमें डिफरेंट पदार्थ डिफरेंट जगह एंटर करेंगे, अगर ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट तो सीधे के सीधे यहां एंटर करेंगे, ये तो इस साइकिल से आएंगे तो कार्बोहाइड्रेट तो यहां चले जाएंगे। ग्लिसरॉल यहां जब ये टूटा था ग्लिसरॉल में PGAL वासोग्लिसरेडियाइड और 3-PGA या DHAP, तो ग्लिसरॉल तो यहां आ जाएगा फास्फोग्लिसरेडियाइड में, और जो फैटी एसिड है वो फैटी एसिड उसके हिसाब से कहां एंटर करेंगे, फैटी एसिड में भी कन्वर्टेड एसिटाइल कोएंजाइम में, और दो में कन्वर्टेड सिट्रिक एसिड और एनिलिक एसिड और सम पाइरूविक एसिड आल्सो इस जगह एंटर करेंगे।
अमीनो एसिड में आल्सो एंटर ए डिफरेंट प्लेस अमीनो एसिड में फॉर पाइरूविक एसिड और अदर एसिड। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल फूड मटेरियल आइदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट एंटर्स सेम साइकिल, इसी साइकिल में बट अ डिफरेंट प्लेस। इसमें एक बात और आप देखो, फैट में एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का है, तीन मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं, इसमें तीन मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं, तो इसलिए फैट में चार मॉलिक्यूल एंटर करेंगे साइकिल में, ग्लिसरॉल अलग एंटर करेगा, तीन फैटी एसिड अलग एंटर करेंगे, तो मैक्सिमम एनर्जी कौन देगा, मैक्सिमम एनर्जी देगा फैट, सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देता है क्योंकि फैट में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट देगा, कार्बोहाइड्रेट में एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। प्रोटीन में डिपेंड करता है कितने मॉलिक्यूल से बनी हुई है, प्रोटीन दोनों के बीच में एनर्जी देती है, तो इसका मतलब हम जो भोजन खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट, सबसे कम कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, इंटरमीडिएट देती है प्रोटीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रोटीन को हम उतनी कंज्यूम नहीं करते जितनी करनी चाहिए, ये जो ऑक्सीडेशन है ओ प्रोटीन इज वेरी लेस, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन सबसे कम होता है, इसलिए प्रोटीन हम सबसे कम यूज करते हैं, तो प्रोटीन से हमें आसानी से एनर्जी नहीं मिलती, प्रोटीन रेस्पिरेटरी पाथवे में जनरली एंटर नहीं करता, केवल जब हम कोई दूसरा भोजन ना मिले, हम वर्थ पे हैं या कोई ऐसी है या कोई मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम है, तब ये प्रोटीन हमें एनर्जी देती है, नहीं तो जनरली प्रोटीन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन जनरली नहीं होता, इज ऑक्सीडाइज ओनली इमरजेंसी और मैन, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल, तब ये प्रोटीन देती है, इसको हम कहेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। ये पाथवे सब फूड मटेरियल की है। अब हम इसका लास्ट टॉपिक लेते हैं रेस्पिरेटरी कोशियन आर क्यू, इस चैप्टर में जो सबसे लास्ट टॉपिक है दैट इज आर क्यू या रेस्पिरेटरी कोशियन आर क्यू। आर क्यू का मतलब है रेस्पिरेटरी कोशियन, अभी हमने ग्लाइकोलाइसिस को क्रैब साइकिल लिए, इसमें आप देखेंगे मान लो ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसने O2 ली, क्या बना CO2+H2O और +36 या 38 ATP, जो इसका फुली ऑक्सीडेशन हुआ। अगर हम इसको बैलेंस करें तो इसमें क्या होगा, 6 तो CO2 बनेगा और 6 ही H2O बनेंगे और 6 ही यहां ऊपर ले जाएगी, इसका मतलब O2 टेकन 6 मोल और CO2 रिलीज आल्सो 6 मोल। अब इसमें आप देखें किसी भी रिएक्शन में एरोबिक रेस्पिरेशन में इनकी जो रेशो होती है रेस्पिरेटरी कोशिएंट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2, कितनी O2 ली गई है, O2 टेकन है और CO2 रिलीज है। इसमें आप देखें कितनी CO2 निकली, 6, O2 कितनी ली, 6, तो रेस्पिरेटरी कोशिएंट आ गया 1। दिस रेशो ऑफ कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कोशिएंट। रेस्पिरेटरी कोशिएंट सबके लिए अलग अलग है, आपकी बुक में दो और दिए हुए हैं, अगर हम इनकी बात करें
तो जैसे ट्राइपॉमेटिन, ट्राइपॉमेटिन एक फैट है, ट्राइपॉमेटिन, ट्राइपॉमेटिन C51H98 और O6। जब ये O2 लेगा तो इसमें CO2 बनेंगे, इसमें 51 तो बनेगी CO2 और 49 बनेंगे H2O और 49 और 102, 151, 75, ये 75.5 O2 ले जाएगी। तो अगर हम इसकी रेशो देखें, RQ की वैल्यू, RQ इक्वल टू 51/75.5। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डबल भी कर सकते थे, हम इसको या 2 भी लिख सकते थे, इसको 151 भी लिख सकते थे, इसको 102 भी लिख सकते थे और इसको 98 कर सकते थे। ये भी इक्वेशन की बात है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो RQ का मान आ जाएगा, दशमलव हटा के 0 लगा दी, 5 से काट दो, 102 151। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 के लगभग आएगा। इसके लिए फैट के लिए जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है वो 0.7 के आसपास आता है। प्रोटीन के लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट अगर हम बात करें तो प्रोटीन के लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट 0.9 के लगभग आता है। फॉर प्रोटीन RQ इज अबाउट 0.9, फॉर फैट 0.7, फॉर कार्बोहाइड्रेट इट इज अप्रोक्सीमेटली 1। इस तरह से रेस्पिरेटरी कोशेंट है, रेस्पिरेटरी कोशेंट वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2, कितनी CO2 निकली है, कितनी O2 ली गई है, इस रेशो को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट हर रिएक्शन का, हर फूड मटेरियल का फिक्स होता है और वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। रेस्पिरेटरी कोशेंट से हमें ये पता लग जाता है कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। अगर एक है तो बराबर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, एक से कम है तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो रही है, एक से ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम कंज्यूम हो रही है। देयरफॉर दिस रेशियो टेल्स अस व्हिच फूड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ये था हमारा रेस्पिरेशन का चैप्टर, एक बार इसको आप ध्यान से देख लेंगे। थैंक यू, ओके।